मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, आप देख रहे हैं क्या बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम आए हुए हैं बोध गया में और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का आज एक मीटिंग है, प्रखंड स्तरीय बैठक है और हम जानना चाहेंगे, यहाँ जिला अध्यक्ष भी उपस्थित है, हम सर से जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आज जो बैठक है, किस बेसिस पे आज बैठक है? सर, ये संगठन के कामकाजी बैठक है और ये हम लोगों का हमेशा बैठक चलते रहती है। अब हम लोग जो भी अपने बैठे हैं, सभी सम्मानित मेरा मंडल के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, अपने प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य हैं, बड़े भाई भोला मित्रा जी, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो हम लोगों का एक ही लक्ष्य होता है और बूथ सशक्तिकरण के तहत ये बैठक हुई है। बूथ को हमको मजबूत करना है, अपना बूथ सबसे मजबूत, और एक ही नारा है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो हम लोग कोई बैठक ही मंडल पर करके ये नए मैसेज देना चाहते हैं कि हमको जो है से भारतीय जनता पार्टी के हैं बड़ी बैठक हुई, हमको बूथ पर जाना है, बूथ को मजबूत करना है। कितना बूथ पर काम हुआ है, कितना भी बाकी है, उसका रिव्यू चल रहा है, हम लोग अपने में कर रहे हैं बैठक के माध्यम से, और जो कमी है उसको दुरुस्त करेंगे और बूथ पर सबसे ज्यादा हम लोग काज करेंगे, हम लोग को बूथ पर काम करना है। सर, एक सवाल और है, आप लोग बूथ को मजबूत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बूथ मजबूत करना बहुत खुशी की बात है, लेकिन यही बात आती है गरीबों को मजबूत कब कीजिएगा? सर, अभी देखिए तमिलनाडु में गरीबों को मारा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है, सर इस पर कब मजबूती आप लोग कीजिएगा? गरीब का चिंता और गरीबी से ऊपर उठाने के लिए चिंता अगर कोई देश में पहली बार कर रहे हैं तो एक किए थे अपने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरा कर रहे हैं अपने भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी। आज तक के दूसरा किसी ने नहीं किया। आप कोरोना काल में देखे होंगे, आप भी एक ठीक है मीडिया में है, लेकिन आप भी एक देश का नागरिक है, आप देश का होनहार युवक है, आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना महामारी में देश तबाह हो गया और जो भारत के प्रति विश्व का निगाह था कि भारत बर्बाद हो जाएगा, इतना बड़ा देश कि जो पूरे विश्व में आबादी के मामले में दूसरा देश है, ये कहां से संभाल पाएगा? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विदेशों में जो सच्ची से सक्षम थे उन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाया, तो इंडिया भी बनाया उनके साथ, और इंडिया में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे करके कि कोई न भूखे सोएगा और न भूखे रहेगा, फ्री में अनाज दे करके, और कोरोना वैक्सीन फ्री में दे करके, और यहाँ का वैक्सीन 100 देशों में बेच करके लोगों को जान माल का सुरक्षा का व्यवस्था करने का काम किया, तो भारत का देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इससे बड़ा गरीब के लिए और कोई सरकार हो सकता है क्या? लेकिन सर, बात यह भी है कि तमिलनाडु से लोगों को भगाया गया, अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट तक नहीं किए, गरीबों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं किए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? जिसको करना चाहिए था वो कर लिया। आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय विजय सिन्हा जी, विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता माननीय सम्राट चौधरी जी ने इस मुद्दा को उठाया है। तमिलनाडु जो है से टीम गई है, वहां से जांच रिपोर्ट आ रही है, भारतीय जनता पार्टी एक एक गरीब परिवार के साथ खड़ी है और एक एक लोग का चिंता कर रही है, और हम लोग यही चीज तो लोगों को बीच में बता रहे हैं कि जो अभी महागठबंधन की सरकार बनी है वो देखिए क्या कर रही है, क्या सोच रही है गरीबों के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सबों के लिए सोचती है, सबों के लिए काम करती है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, यही नारा के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये प्रखंड स्तरीय बैठक है, विधानसभा प्रखंड स्तरीय बैठक है, और ये 2024 के लिए तैयारी है, क्या जनता ये मानेगी? आप मीडिया में हैं, मीडिया से हैं, ये विधानसभा स्तरीय बैठक है। और एक बात हमेशा याद रख लीजिए कि 2024, जब 2019 लोकसभा हम लोग चुनाव जीते थे, सरकार बनी थी,
उसके बाद हम लोग चुनाव में लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है चुनावी मूड में और हमेशा कार्यक्रम और काज पर ही विश्वास करती है। ये नहीं है कि चुनाव जीत गए तब दो साल आराम करेंगे और तीसरा साल चौथा साल हम लोगों के बीच में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम पांच साल लोगों के बीच में रह करके संगठन के माध्यम से काज करते हैं, सेवा करते हैं और सेवा के भाव से लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं, उनका तकलीफ भी पूछते हैं, सेवा के भाव से काम भी करते हैं और संगठन का भी काज करते हैं। इसलिए हम लोग चुनावी मूड में नहीं है, हम लोग तो नहीं इसके बाद ही चुनावी मूड में रहते हैं। सर अपना परिचय देंगे। धनराज शर्मा, बीजेपी कार्यकर्ता। तो ये थे हमारे साथ धनराज शर्मा जी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित हैं और मैं वीरेंद्र कुमार मांझी फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।